بسم الله الرحمن الرحيم भाई मेरी एक वसीयत है, खास तौर से नौजवान बहुत ज्यादा माशाल्लाह बैठे, कि कोई भी अजादार नौजवान माँ बाप का गुस्साख नहीं होना चाहे। सब अजादार अपने वालिदैन को राजी रखें, चाहे बुजुर्ग हो जवान हो। तो एक बात की पाबंदी होनी चाहिए, कोई भी वालिदैन के सामने गुस्साखी ना करे, बुलंद आवाज से बात ना करे, हमेशा सर झुका के बात करे। आपने देखा है ना कि जो तवाज़ुन के सारे से पेश आते हैं, अल्लाह उन्हें बहुत तरक्की इनायत करता है, उन्हें बहुत मकाम अता करता है। और यहाँ तक हदीस में है, एक आदमी ने कहा या रसूल अल्लाह, और जनाब अमीर से ज़ाहिरन कहा या जनाब रसूल खुदा, सुनना चाहेंगे? ऐसी बातों पे भी दाद आनी चाहिए, नहीं तो यकीन मानिए दिल टूट जाएगा मेरा। तो कहा या अली, बहुत दौलत चाहता, बहुत दौलत चाहता हूं। मौला ने कहा कितनी? कहा इतनी कि गिन ना सको। मौला ने कहा जा जाके वालिदैन की खिदमत कर। कहा या अली, बहुत नाम चाहता हूं कि मैं गिन ना सकूं कितने मुझे जानते हैं। कहा जा जाके वालिदैन की खिदमत कर। तवज्जो, कहा वालिदैन की खिदमत कर। तो फिर तीसरी बात कही, कहा या अली, लोगों के दिलों में घर चाहता हूं। भाई बहुत से लोगों का नाम होता है लेकिन लोगों ने चाहते नहीं। कब मैं चाहता हूं लोग मुझे चाहें। कब वालिदैन की खिदमत कर। पांच या छह चीजें उसने कही मौला ने, हर बात पे कहा वालिदैन की खिदमत कर। कहा या अली, हर चीज वालिदैन की खिदमत में? मौला ने कहा ये तो दुनिया है, आखिरत भी वालिदैन की खिदमत से।